फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नीटिंग स्टूडियो। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 16 के मल्टीपल फंदे डाल के एक फंदा प्लस किया है। जैसे पहले 16 गिनिएगा, फिर से 16, फिर से 16, लास्ट में हमारा एक फंदा रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 16 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने 33 फंदे डाले हैं। 16 दूनी 32 प्लस 1 33। तो अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बुनना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको बुनते हैं। बुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये हमारे सीधी तरफ से है, यहाँ से हम पूरी सिलाई को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे इसको पूरी को उल्टा बुनेंगे। ऐसे उल्टा बुनेंगे, ये सीधी तरफ से भी उल्टे बनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार रो बना लेंगे तो हमारी ये यहाँ पे दो धारियाँ बन के आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पे चार सिलाइयाँ बना ली हैं। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनते हुए चार सिलाई बनाई हैं। ये हमारी दो धारी सीधी तरफ है, दो धारियाँ हमारी उल्टी तरफ है। तो चार सिलाई बन चुकी हैं, अब हमारी सीधी तरफ से डिजाइन बनना शुरू होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंदा है। फर्स्ट फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ करके ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर एक जाली डल जाएगी। फिर यहाँ पे छह फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। छह फंदे ये उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पे 3 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। ऐसे 3 का 1 उल्टा बना देंगे। फिर से 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। छह फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से धागा घुमाएंगे तो हमारा वही डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे जो फंदा है इसको सीधा बुन देंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स एच स्टिच को छोड़ के यहाँ तक हमारा ये 16 फंदों का डिजाइन है। छह एक जाली डाली है, 6 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदे 3 का 1 किया है, फिर से 6 हैं, फिर से धागा घुमा के और ये फंदा सीधा बुन दिया। अब फिर जैसे हमने यहाँ से रिपीट किया था एच स्टिच को छोड़ के, अब यहाँ पे ऐसे धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, वही रिपीट होगा जैसे यहाँ से किया था। धागा घुमाया और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे ऐसे। अब फिर 6 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फंदे फिर से उल्टे बन गए। तो हमारे 2 रिपीटेशन ख़त्म हुए। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही रिपीट करते जाइएगा तो आपका डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। अब ये धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को फिर सीधा बना देंगे। अब आएंगे बैक साइड में सेकंड रो पे। तो सेकंड रो को देखिए फ्रेंड्स, पूरे ही प्रोजेक्ट में हमारी सभी सिलाइयाँ बैक साइड से उल्टी बनती जाएंगी। इसमें नहीं कोई फंदा सीधा बुनना है, नहीं उल्टा, सभी फंदे उल्टे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब आ गए सीधी तरफ थर्ड रो में। जो फंदा यहाँ पे हमारा 3 का 1 होता वो यहाँ पे जाली डल के एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब है हम सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो फर्स्ट फंदा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो यहीं पे ही हमारी जाली डलेगी। तो धागा आगे करेंगे, ये जाली से बड़ा फंदा है इसको सीधा बुनेंगे।
जाली हमारी एचटी फंदे के साथ में हिडलती जाएगी, बढ़े हुए फंदे आगे सीधे बनते जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे 6 फंदे बुन के और तब हमने 3 का एक किया था, अब यहाँ पे 5 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, फिर से ये 3 का 1 है, एक फंदा इस साइड से लेंगे एक इस साइड से, तो यहाँ पे 3 का 1 बुन देंगे, ऐसे 3 का 1 बुनेंगे। फिर से 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो ये जाली का फंदा है इसको धागा पीछे करते हुए इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो सेंटर में फंदा रहेगा इसके दोनों तरफ जाली डलेगी, ये जाली से बड़े फंदे साइड में बढ़ते जाएंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर ये एक फंदा जाली वाला जो बड़ा था यहाँ पे इसको सीधा बुन देंगे, तो हमारी ये दोनों तरफ फंदे बढ़ते जाएंगे और सेंटर के फंदे के साथ में जाली डलती जाएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे फिर से उल्टे, 2, 3, 4, 5। फिर से ये 3 का 1 है, एक फंदा यहाँ से लेंगे एक यहाँ से लेंगे, तो 3 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। धागा पीछे करेंगे, अब ये जाली का फंदा है इसको सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे, लास्ट फंदे को फिर से सीधा बुन देंगे। ये हमारी थर्ड रो बन के कम्प्लीट हुई। फिर आएंगे हम फोर्थ रो पर, फोर्थ रो फिर से पूरी को धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे पूरी रो हमारी उल्टी बन जाएगी। अब फिर आ गए हम सीधी तरफ 5वीं सिलाई में, तो फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, और अब ये 2 फंदे हमारे जाली से बढ़ गए हैं तो इनको सीधा बुनेंगे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे हम 4 फंदे बुनेंगे, हर बार सीधी तरफ से ये एक फंदा कम होता जाएगा, तो ये 4 फंदे सीधे बुने, उल्टे बुने सॉरी। अब 3 का 1 फिर से उल्टा फंदा यहाँ पे बुन देंगे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, धागा पीछे करेंगे, अब जो ये 2 फंदे जाली से बड़े हैं इनको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो सेंटर का फंदा है इसके पास में जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो फंदा यहाँ पे हमारा घटता है वो फंदा जाली डल के बढ़ जाता है, साथ में फंदे हमारे उतने ही रहेंगे जितने हमने डाले थे। तो फिर यहाँ पे 4 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1 करेंगे, सेंटर में 3 का 1, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और 3 का 1 उल्टा फंदा बुन देंगे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, धागा पीछे करेंगे, अब जो ये 2 फंदे जाली से बड़े हैं इनको सीधा बनाएंगे, अब यहाँ पे जाली डालेंगे, जो फंदा हमारा साथ में है इसके साथ ही हम जाली डालेंगे, तो ये हमारी हाफ डिजाइन यहाँ पे बनेगा, हाफ यहाँ पे बनेगा, सेंटर में हमारे पूरे पूरे डिजाइन बन के आएंगे। अब बैक साइड से 6 रो, इसको पूरी को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे इसको पूरी को उल्टा बुन लेंगे, ऐसे इसको उल्टा बुन लीजिए। अब आ गए हम सीधी तरफ 7वीं सिलाई में, तो फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से ये जाली से 3 फंदे बड़े हैं इनको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब की बार यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 3, फिर यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, बीच में 3 का 1 फंदा है, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और इसको उल्टा ही बुन देंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे, जो ये जाली से 3 फंदे बड़े हैं इनको सीधा बुनेंगे, 2 और 3,
अब सेंटर के फंदे के साथ में जाली डालेंगे तो इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब फिर तीन का एक करेंगे ऐसे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये तीन फंदे सीधे, जो जाली से बड़े फंदे हैं उनको सीधा बुनने के बाद फिर जाली डालेंगे। अब आएंगे बैक साइड में आठवीं सिलाई पर, तो आठवीं सिलाई को फिर से उल्टा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए जाएंगे। अब आ गए सीधी तरफ नौवीं सिलाई में, तो फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली से चार फंदे जो बड़े हैं इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब की बार यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर से तीन का एक करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। धागा पीछे करेंगे, फिर से जो जाली से फंदे बड़े हैं, एक दो तीन चार। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बीच में सेंटर का सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से चार फंदे जाली से बड़े हैं उनको सीधा बुनेंगे, तीन चार। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, फिर से यहाँ पे तीन का एक करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे और फिर से ये जाली से बढ़े चार फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा फिर सीधा जाली डालते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी नौवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम दसवीं सिलाई पर, दसवीं सिलाई को फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे, ऐसे इसको उल्टा बुनते हुए जाएंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ ग्यारहवीं सिलाई में, तो फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए ये फंदे सीधे बुनेंगे, पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से तीन का एक बनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच। धागा अपनी तरफ करेंगे, सेंटर का फंदा सीधा, दोनों तरफ जाली डालेंगे, ये फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से तीन का एक करेंगे। उल्टे फंदों में फंदे यहाँ पे घटते जाएंगे, सेंटर में फंदे हमारे जाली से बढ़ते जाएंगे, फंदे हमारे इक्वल ही रहेंगे। अब ये फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। अब आएंगे बैक साइड में, फिर से पूरी रो को उल्टा बुन देंगे, ऐसे इसको उल्टा बुनते जाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बड़े हुए फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास तीन ही फंदे हैं, एक तीन का एक, दोनों तरफ एक एक फंदा, तो इन तीन का एक कर देंगे, यहाँ पे हमारा डिजाइन क्लोज हो जाएगा। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से फंदा सीधा बनाएंगे, जाली से जो बड़े फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे,
अब यहाँ पे धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से जाली डालेंगे और ये सीधे फंदे बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ फरेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास तीन फंदे हैं तो इन तीन का एक करेंगे, डिजाइन हमारा क्लोज हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे और ये जाली के फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में, अब आएंगे बैक साइड में, इसको फिर से उल्टा बुन देंगे। इस पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हुई और डिजाइन भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनको काउंट करेंगे तो दो ये इन धारियों को, ये नीचे हमने चार सिलाइयां दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 सिलाइयों का डिजाइन है हमारा ये और बन के कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा फंदों में बनाया है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन गया है। अगर आप इसको लेडीज कार्डिगन में, लेडीज हाफ जैकेट में, बेबी फ्रॉक में, गर्ल्स टॉप में इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करना चाहें तो ये बॉर्डर के लिए भी बहुत ही प्यारा बन के आएगा। और आप इसको बार बार 18 18 सिलाइयों को ये रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा पूरे प्रोजेक्ट में भी डिजाइन बन के आ जाएगा। जैसे आप इसको पूरे को डालते जाएंगे, अगर कार्डिगन में, जाकेट में, फ्रॉक में, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।